नगर परिषद हमीरपुर के वार्ड नंबर 6 में शिव मंदिर के सामने रामगली में बनी वन विभाग की बिल्डिंग से गिर रहे स्लेट राह में चलते लोगों को घायल कर रहे हैं। अनसेफ घोषित हो चुके इस भवन से स्लेट लोगों की जान के प्यासे हो गए हैं। असुरक्षित भवन के गिर रहे स्लेट से यहां कई लोग बुरी तरह लहूलुहान भी हो चुके हैं। यही नहीं, असुरक्षित घोषित इस भवन की दीवारें अंदर से ध्वस्त हो चुकी हैं, जिस वजह से ये भवन कभी भी गिर सकता है और किसी बड़े हादसे को अंजाम दे सकता है। नगर परिषद हमीरपुर के वार्ड नंबर 6 में शिव मंदिर के सामने राम गली में बनी वन विभाग की बिल्डिंग से गिर रहे स्लेट लोगों को घायल कर रहे हैं। अनसेफ घोषित हो चुके इस भवन के स्लेट लोगों के जान के प्यासे हो गए हैं। असुरक्षित भवन के गिर रहे स्लेट से यहां कई लोग बुरी तरह से लहूलुहान हो चुके हैं। यही नहीं, असुरक्षित घोषित इस भवन की दीवारें अंदर से ध्वस्त हो चुकी हैं। इससे सहज अंदेशा लगाया जा सकता है कि महज चार दीवारी पर टिका ये भवन कभी भी जमीन दोस्त हो जाएगा। अगर ये भवन दिन के इसमें ध्वस्त हुआ तो बड़े हादसे से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि राम गली यहाँ के स्थानीय लोगों का रोजाना रास्ता है। यहाँ के स्थानीय लोगों ने माना कि आए दिन असुरक्षित भवन के छत से स्लेट तीव्र गति से नीचे गिरते हैं। वन विभाग को अवगत करवाने के उपरांत भी समस्या का समाधान नहीं किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि जिस जगह पर ये असुरक्षित भवन है वहां पर पार्क या पार्किंग निर्माण की योजना पर विचार चल रहा है। हालांकि पार्क या पार्किंग बनाने की अभी तक कवायद शुरू नहीं हुई है। हैरत ये है कि अनसेफ घोषित हो चुका भवन आज तक डिसमेंटल क्यों नहीं हुआ। अगर इसे स्मेल रहते डिसमेंटल नहीं किया गया तो बड़ा हादसा कभी भी कर सकता है। स्थानीय लोगों ने बताया कि वन विभाग का ये अनसेफ भवन किसी समय आवासीय भवन हुआ करता था। इसकी स्थिति बदतर होने के चलते इसे असुरक्षित घोषित कर दिया गया है। सत्यनारायण मंदिर, ये जो फॉरेस्ट की बिल्डिंग है, इससे यहाँ के राहगीरों को खतरा है, क्योंकि इसके ऊपर जो स्लेट वगैरह पड़े हुए हैं वो बहुत पुरानी बिल्डिंग हो चुकी है और ये स्लेट जो वो कभी भी गिरते रहते हैं और कभी भी इसे किसी का भी सिर फट सकता है और हादसा हो सकता है। इस बारे में सर बताया नहीं, अधिकारियों को सूचित नहीं किया है क्या? अधिकारियों को सूचित करते हैं, कभी बोलते हैं कि यहाँ पे पार्किंग बनेगी, को कुछ बनेगा, परंतु होता कुछ नहीं है। मैं कुलदीप चंद वार्ड नंबर 6 का निवासी हूँ और हमारे सामने एक और की बिल्डिंग है, इसका गिरने का खतरा है। इसके स्लेट दो तीन बार तुम्हारे ऊपर पड़े हैं, खुद पीठ पे नंबर 2 पे। ये गली की पाइपें जितनी नाली सब बंद है बिल्कुल। इसको कहीं बोला कि इसको एक मेन पाइप डाल दो, 2-3 बहुत है, कोई सुनाई नहीं इसकी। मतलब नगर परिषद या नहीं, नगर परिषद के अपना जो वार्ड मेंबर उसको बताया, जेई से मिले वाटर सप्लाई वाले से, उसने बोला डाल देंगे, उसके बाद कोई इसका नहीं ये हुआ। ठीक है जी, बिल्डिंग आई हुई हमीरपुर की सारी विभाग।